हेलो फ्रेंड्स, लर्न विथ विभा में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ ढोकला बनाने की रेसिपी। तो चलिए ढोकला शुरू करती हूँ। इसके लिए हमने क्या क्या लिया है वो आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने इस कप से डेढ़ कप बेसन लिया है और हाफ कप सूजी, उसके बाद 2 चम्मच चीनी और थोड़ा सा अदरक क्रश करके हमने लिया है, और ये 1 चम्मच छोटा चम्मच से हल्दी पाउडर और थोड़ा स्वाद के अनुसार नमक। ठीक है, और क्या क्या ऐड करती हूँ आपको दिखा रही हूँ। और अब मैं इसमें 1 नींबू का रस निचोड़ कर दे रही हूँ। और अब मैं इसमें 2 चम्मच ऑयल, मैं रिफाइंड ऑयल डाल रही हूँ, आप चाहे तो कोई भी ऑयल डाल सकते हैं। ठीक है, मैं माइक्रोवेव में बनाऊंगी, इस वजह से मैं इसमें छोटा चम्मच से 1 चम्मच बेकिंग पाउडर डाल रही हूँ। ठीक है, और ये रहा दही, इस सबको मैं अच्छे से मिला दे रही हूँ। बीच बीच में मैं पानी भी ऐड करूँगी, ताकि इसमें इस अच्छे से मिलाना है, ताकि इसमें कोई लम्स ना रहे। ठीक है, एक बार पानी नहीं डालूँगी, धीरे धीरे करके डालना है, धीरे धीरे करके आपको मिलाना है। ठीक है फ्रेंड्स, आपको जब भी बनाने का मन हो सकते हैं, खा सकते हैं एनी टाइम, जब आपका मन हो आप बनाइए, ये काफ़ी हेल्दी होता है। इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो आपको ठीक रखना होगा, ये ध्यान रखना होगा कि ये पानी डालने में ये ज़्यादा पतला ना हो जाए। ठीक है, देख रहे हैं फ्रेंड्स, इस तरह से इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। अब मैं इसको 10 मिनट के लिए ढक के रख दे रही हूँ, ताकि सूजी अच्छे से फूल जाए इसमें। ठीक है, और इसको अब मैं इसको ढक दे रही हूँ। जब तक इधर फूल रहा है सूजी, तब तक मैं इधर इसको ग्रीज कर ले रही हूँ। मैं माइक्रोवेव में बनाऊंगी, ये माइक्रोवेव कुकर है जिसको कि मैं ऑयल से पहले ग्रीज कर दे रही हूँ। अच्छे से, ताकि इसमें चिपके नहीं। आप चाहे तो इसमें आटे से या मैदा से, चाहे बेसन से डस्ट भी कर सकते हैं इसको। हो गया फ्रेंड्स, देख रहे हैं। ठीक है, अब मैं मिलती हूँ 10 मिनट बाद। ये देखिए, पहले से थोड़ा ज़्यादा गाढ़ा हो गया है, अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल दूँगी। क्योंकि सूजी जो फूला इसमें, इस वजह से ये थोड़ा ज़्यादा गाढ़ा हो गया था। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। अब मैं इसमें 1 पैकेट इनो डाल रही हूँ। ठीक है,
ये मैं इनको डाल रही हूँ, ठीक है। इनो डालने के बाद इसे एक ही डायरेक्शन में आप चलाइए और ज़्यादा फेंटना भी नहीं है इनो डालने के बाद, ठीक है। बस इसको हल्के हाथों से मिला देना है। अब मैं इसे जिस बाउल में मैंने तेल ग्रीस करके रखा था ऑयल को, उसी में इसको ट्रांसफर कर दे रही हूँ। और इसे मैं एक बार यूं टैप कर दे रही हूँ और मैं इसका कवर लगा दी हूँ और इसको लॉक करती हूँ कवर लगाने के बाद, ठीक है। अब मैं इसे माइक्रोवेव में डाल रही हूँ। ले ये मैंने इसको अंदर रख दिया, इसको माइक्रोवेव मोड पर पकाना होगा 5 मिनट। इसे मैं माइक्रोवेव मोड में पकाऊंगी। ये रहा माइक्रोवेव मोड और 5 मिनट, 1, 2, 3, 4, 5, 10 सेकेंड मैं और बढ़ा दे रही हूँ और इसे स्टार्ट कर दे रही हूँ, ठीक है। दावे पर चाहिए, धूप नहीं चाहिए। ढोकला का जो उस पर मैं छोंक लगाऊंगी वो तैयार कर ले रही हूँ। मैं इसमें 1/2 टेबल स्पून राई डाल रही हूँ। अब मैं इसमें 4 हरी मिर्च जिसको कि मैंने बीच से काट रखा है, अब मैं इसमें करी पत्ता डाल दूंगी। और ये 4 चम्मच चीनी, गैस को ऑफ कर दिया है क्योंकि ये चीनी घुल चुका है, ठीक है। मैं इसको उतार ले रही हूँ। इसको हल्के से टैप करते हुए इस तरह से इसको पलट दे रही हूँ। देखिए फ्रेंड्स, बना है ना यम्मी, काफी स्पंजी। और अब मैं इस पर ये शुगर सिरप जो बना के रखी हूँ तड़का, वो लगा दे रही हूँ। ये लीजिए फ्रेंड्स, तैयार है ढोकला, ठीक है। जिस तरह से मैंने बनाया
आप बनाइए। आप इसे मूंगफली की चटनी या सॉस वगैरह के साथ खा सकते हैं या प्लेन भी खा सकते हैं, बहुत ही यम्मी लगेगा और काफ़ी हेल्दी भी होता है। अब मैं इसे एक पीस काट के आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए, दिख रहा है ना आपको, देखिए फ्रेंड्स, ठीक है। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आती हो तो इस वीडियो को ढेर सारा लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, ठीक है। थैंक यू।